हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लिखने वाले हैं नोटिस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही आसान भाषा में नोटिस राइटिंग को। और जो नोटिस है वो आरबीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग, यूं तो नोटिस राइटिंग लिखना बहुत ही आसान होता है। नोटिस किसी संस्था या संगठन के द्वारा उससे संबंधित व्यक्तियों को किसी घटना, समारोह, कार्यक्रम, मीटिंग, आदेश, परिपत्रों, निमंत्रण आदि की सूचना देने के लिए लिखा जाता है। नोटिस लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन चीजों को हम देखते हैं एक बार। नोटिस की जो भाषा होती है वह औपचारिक होती है, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। नंबर दो, नोटिस को एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। नोटिस बनाने से पहले एक बॉक्स बना लें आप अच्छा सा। नोटिस आकर्षक होना चाहिए। नंबर चार, नोटिस की भाषा साधारण होनी चाहिए, मतलब लैंग्वेज इसकी एकदम सिंपल होनी चाहिए। नंबर पांच, नोटिस जो है उस पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर होने जरूरी होता है। जारीकर्ता कौन होता है? जो नोटिस लिखता है वही नोटिस जारीकर्ता होता है। नंबर सिक्स, नोटिस को संक्षेप में लिखा जाता है, काफी ज्यादा बड़ा नहीं लिखा जाता। नंबर सेवन, बोर्ड एग्जाम में नोटिस के लिए 50 वर्डों की एक सीमा रखी गई है। आपको नोटिस में 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना। नंबर एट, नोटिस लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि संस्था का नाम सबसे ऊपर लिखेंगे, एकदम बीच में लिखेंगे और ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। इसके जस्ट बाद में लेफ्ट साइड में हम डेट लिखते हैं और वो डेट उस दिन की होती है जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखें। नंबर नाइन, संस्था के नाम के नीचे कैपिटल लेटर में हम नोटिस लिखते हैं। नंबर टेन, नोटिस के नीचे नोटिस की हेडिंग लिखी जाती है, जैसे एनुअल फंक्शन मना रहे हैं, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन, और इसके बाद हम नोटिस की बॉडी लिखते हैं। तो चलो अब देखते हैं नोटिस किस प्रकार से लिखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया। बॉक्स में सबसे ऊपर की साइड में हमें लिखना है संस्था का नाम, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में हमने कोमा लगा के और फिर लिखना है जगह का नाम, संस्था कहाँ पे है। उसके बाद में लेफ्ट साइड में हमें लिखनी है डेट। डेट कौन सी वाली डेट? जिस डेट को नोटिस लिखा जा रहा है वो वाली डेट। उसके बाद हमने लिखना है नोटिस। नोटिस एकदम सेंटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। नोटिस के भी सारे लेटर कैपिटल होंगे। उसके बाद में आपको लिखना है नोटिस के जस्ट नीचे हेडिंग ऑफ नोटिस। नोटिस की हेडिंग क्या है? जैसे आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए अगर बच्चों को बता रहे हैं तो वहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन आ जाएगा। उसके बाद देखिए, स्कूल अगर नोटिस लिख रहा है तो वह स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेगा, तो शुरुआत होगी ऑल स्टूडेंट्स। स्कूल गाँव वालों को भी नोटिस दे सकता है तो होगा ऑल विलेजर्स। कोई संगठन अपने सभी जो मेंबर हैं उनको नोटिस दे सकता है, उस स्थिति में लिखा जाएगा ऑल मेंबर्स। कोई कंपनी अगर कोई नोटिस लिख रही है तो वहाँ हो सकता है वो लिखे ऑल वर्कर्स। तो जैसा भी सिचुएशन बने, जो भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक वर्ड आप उठा लेंगे। जैसे स्कूल लिख रहा है तो हम लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स। उसके बाद में आपने लिखना है आर इन्फॉर्म्ड That over, over के बाद में जैसे स्कूल लिख रहा है तो हम लिख देंगे स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, हमें ये चीज क्वेश्चन में मिलेगी, क्वेश्चन से हमें उठा के लिख देनी है। और जब ये चीज कंप्लीट हो जाए, अपनी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में लिखना होता है, हमें साइन करना होता है, सिग्नेचर। सिग्नेचर किसके? जिसने नोटिस लिखा है उसके सिग्नेचर होने
जरूरी हैं। जस्ट इसके बाद में नेम आ जाएगा और जस्ट उससे नीचे उसका डेजिग्नेशन या पद आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं किस प्रकार से हम लिखेंगे इसे। देखिए क्वेश्चन है, यू आर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांडा गांव। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन 13 मार्च 2021। ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स एंड इनवाइट नेम फॉर कल्चरल एक्टिविटीज। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम लिखने वाले हैं संस्था का नाम। संस्था का नाम क्वेश्चन में दिया गया है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांडा, वहां से हमने इसे उठा लिया। इसके बाद हमने डालनी है डेट। जिस दिनांक को नोटिस लिखा जा रहा है वो डेट हमें यहाँ डाल देनी है। जस्ट इसके बाद में हमने लिखना है नोटिस, ये भी कैपिटल लेटर में होगा। नोटिस के बाद हम लिखेंगे नोटिस की हेडिंग जो क्वेश्चन के अनुसार बनती है, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन, इसे भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। स्कूल नोटिस लिख रहा है तो वह स्टूडेंट्स को संबोधित करेगा, तो यहाँ ये लिख रहा है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब देखो क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, क्वेश्चन में मिला हमें एनुअल फंक्शन, तो हमने वहां से एनुअल फंक्शन उठाया। एनुअल फंक्शन अब देखो कब कर रहा है, डेट भी दी हुई है 13 मार्च 2001, और टाइम अगर नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और दिया हो तो वहां से पिकअप करें। तो हमने टाइम लगाया एट लगाने के बाद में एट 10 AM। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में भी दिया गया है कि जो इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट हैं वो अपने नाम दें इसके लिए, कल्चरल एक्टिविटी के लिए, तो उसे हम डालने वाले हैं इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर इनवाइट टू गिव देयर नेम फॉर स्पीच। अब जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनके नाम दिए इन्होंने, स्पीच, सोलो सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग, मोनो एक्टिविटी, पोएम और डांस। और अगर इनमें से कोई नाम याद आपको नहीं होता है तो आप डायरेक्ट कल्चरल एक्टिविटीज लिख सकते हैं। अब ये देने किसको है, क्लास टीचर को, तो अब लिखेंगे हम टू योर क्लास टीचर टिल। अब कब तक देने हैं ये बताया गया, 1 मार्च 2021 तक आपको दे देना है। इसके बाद में आपने लिखना है सिग्नेचर। सिग्नेचर होंगे जो संस्था का प्रधान है या जो नोटिस लिख रहा है, तो सीमा, फिर और इनका नाम हो गया सीमा शर्मा। किस पद पे हैं ये, तो पद हो गया प्रिंसिपल। इस प्रकार से हमारा नोटिस कंप्लीट हो जाता है। और जब तक आपको समझ में नहीं आए एक दो बार इसे आप रिपीट कर सकते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।